मम्मी हाँ मैं बाहर जा रही हूँ, दोस्त में पार्टी है ना, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, ठीक है ना, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तू ना कहीं नहीं जा रही, अंदर चुपचाप जाके पढ़ाई करो। क्यों मम्मी, आप हमें समझना करते हो, प्लीज आज तो जाने दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी ना। मैंने कह दिया ना, तू कहीं नहीं जा रही, अंदर जाके चुपचाप बैठ। जा रही है दोस्तों के साथ पार्टी करने, अंदर जा। क्या यार मम्मी, हमें समझना करती रहती हूँ, मैं तो जाऊंगी अब, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, आप जो भी कर रोक के दिखाओ मुझे। मैंने कह दिया मम्मी यार ये आपको पहले भी कहा था, मुझे मना मत किया करो, मैं दोस्त के घर ही तो जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। दोस्त के घर जा रही है पार्टी करने, मुझे कैसे पता कौन सा, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का है? दोस्त के घर जा रही है या फिर कहीं पे आवारा गर्दी करने जा रही है तू? अच्छा चलो आप मेरे साथ चलो। अच्छा बड़ी जल्दी याद आई है मेरी है, मैंने तुझे अभी एक बार मना कर दिया ना, चुपचाप अंदर जाके पढ़, जा अंदर जा और पढ़, कल पेपर है और यहाँ पे जाना है इनको पार्टी करने, अंदर। अब तो मैं जाऊंगी, आप मुझे रोक के दिखा लो। अच्छा रुक तो, अंदर आ जाओ, अंदर चल, अंदर चल। मैं तो नो 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 सुबह सुबह लग जाती है और सुबह सुबह पूरा मूड खराब कर देती है, पता नहीं कैसी औलाद है ये। बड़ी हंसी आ रही है, किससे बात करिए, फोन पे है, फोन दिखा जल्दी दिखा। कुछ नहीं मम्मी, वो बस मैं ऐसे ही मीम्स है ना, मीम्स देख रही थी। अच्छा बढ़िया, ये उल्लू बना रही, जल्दी जल्दी बता किससे बात करी थी है? नहीं मम्मी मैं किसी से बात नहीं कर रही। ऐसे हंस क्यों रही है फिर, अपनी माँ को उल्लू बना रही, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें पढ़ने का कह दूंगी ना तो तुम्हें 40 वोल्ट का झटका लग जाएगा, और ये फोन पे है ना पूरे दिन ऐसे ऐसे करते रहोगे, पता नहीं इसमें क्या मिलता है तुम्हें। बस ये ऐसे मैं वीडियोस देख रही थी रील्स पे। अच्छा रील्स पे वीडियोस देख रही थी, तुम्हारी अक्ल काम या घास चढ़ने गई है क्या है? तुम बच्चों को क्या ये किताब पास में पड़ी है, फोन लेके बैठ गए हो, ये कर रहे हो, थोड़ा सा तो बेटा कुछ सोच लो अपने बारे में भी। पढ़ने आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तो। रन बेटा, हम तुम्हारे है ना दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें कभी कभी डांट देते हैं, पर तुम्हें डांटने के बाद सबसे ज्यादा बुरा हमें ही लगता है बेटा, हमें पता है हम तुम्हें कैसे डांटते हैं। तुम हमें अपना दोस्त समझा करो ना बेटा, हम तुम्हारी कोशिश करते हैं हम तुमसे बात करें, पर नहीं तुम तो उससे क्या, पर बेटा तुम ना हमें ना दोस्त समझा करो बेटा, तुम जो भी है ना हमारे साथ शेयर किया करो, हम ऐसे तो नहीं ना, हम तुम्हारा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, जो भी हो दिल में बात हो वो सब कुछ शेयर कर दिया करो हमसे, जो भी हो हमसे जो होगा हम वो करेंगे तुम्हारे लिए बेटा,
पर कुछ भी छुपाया मत करो बेटा, हमारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स है और उससे भी ज्यादा हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे दोस्त बन के रहना चाहती है बेटा, पर तुम ना हमें कुछ बताते ही नहीं हो तो बेटा हमें डांटना पड़ता है, हम क्या करें, हम भी तो पेरेंट्स हैं आखिर, हम भी तुम्हारे माँ बाप है, हमें टेंशन होती है अपने बच्चों की बेटा। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी बात है तो हमें बता दिया करो बेटा है। मम्मी वो मैं आपको एक बात कहूँ? हाँ बेटा कहूँ ना, क्या बात है? वो ना मेरे साथ, हम कॉलेज जाते हैं ना तो मेरे साथ राहुल पढ़ता है, तो मतलब हम एक साल से हम रिलेशनशिप में हैं, तो मैंने आपको बताया नहीं था पर आपने कहा तो आज मैंने बता दिया आपको। हे भगवान क्या दिखा दिया, कौन से दिन दिखा दिया, हमारे प्यार में बेटा कौन सी कमी रह गई थी, तूने ये सब किया, तूने ये सब मुंह काला करा दिया, हमने तुमसे कितना प्यार किया, तूने ये किया, पता नहीं और क्या क्या छुपाया होगा तुमने, लड़के के साथ घूम रही है, बॉयफ्रेंड बना लिया, हम तुम्हें पढ़ने भेजती और तुम बॉयफ्रेंड बना के आ गई, हमारे प्यार में कमी रह गई होगी जो इसको बाहर ढूंढना पड़ा सब कुछ। तुम बॉयफ्रेंड बनाएगी और हमसे छुपाएगी? मम्मी रुक, तेरे पापा को नहीं सब करके बताऊंगी वास्ते, आज के बाद इस रूम से बाहर भी निकल गया तो जाने। मम्मी मैं ना एक घंटे का रेस्ट ले रही हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी, ठीक है ना? एक घंटे का बोला है तो एक घंटे का ही लेना, ठीक है ना? रिजना आई सारी बार बहुत है, जल्दी जा छत पे कपड़े लेके आ, जल्दी जा। ठीक है रिजना, गेस्ट आने वाली है, जा बाहर से ना मिठाई लेके आ जा, ठीक है ना? मम्मी यार मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, मैं रेस्ट कब करूंगी फिर? कैसे निकल जाएगा, ये भी तो रेस्ट ही है। रंजना एक काम और कर दीजा जल्दी। मम्मी यार मुझे नहीं होना रिलैक्स, इससे अच्छा मैं पढ़ी लेती हूँ। चल no, no. ये तो और अच्छी बात है। मम्मी फ्रिज में पानी है क्या? सर्दियों में कोई फ्रिज का पानी पीता है? अब सीधा गर्मियों में खुलेगा फ्रिज। मैं फ्रिज में से पानी ले रही हूँ। नहीं, अरे क्या हो गया, फ्रिज का सारा पानी तू पी लेगी तो मेहमान आएंगे वो क्या पियेंगे? तो मैं सारा थोड़ी पी लूँ, मैं थोड़ा सा पीऊंगी ना, निकाल के रख दूंगी वापस। कोई नहीं भर के रखता मेरे अलावा, तो रिश्तेदार है कहाँ हमारे? हमारा जितना बुरा बिहेवियर है ना तो रिश्तेदार आने से रहे हमारे घर पे, तो कोई आ गया तो अभी है, और वैसे भी तेरा गला खराब रहता है, और वैसे भी फिर वापिस तबीयत खराब हो जाएगी, फिर वापिस डॉक्टर के पास दिखा के लेके आओ, और वैसे भी तू अभी बाहर गर्मी से खेल के आई है, पसीना पसीना हो रखी है, चुपचाप अंदर बैठ जा। अरे ये क्या यार मम्मी, अभी सर्दी आगे कहाँ है? नहीं और वैसे भी तू आजकल आइसक्रीम भी कहाँ खाती है, तो ठंडा पानी क्यों पी रही है? आइसक्रीम इसलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि अभी आपने दिलवाई नहीं है, और मुझे नहीं पता मैं पी रही हूँ फ्रिज का पानी। फ्रिज का पानी तू पी लेगी तो फ्रिज क्या पिएगा? नो 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 नो, क्या बोल रही हो? चल इतनी प्यास लग रही है तो गड़े का पानी पी ले, वो भी बहुत ठंडा होता है। ठीक है तूने अभी पी लिया ना, चल तू एक काम कर, थोड़ा सा है ना फ्रिज के पानी में ना गड़े का पानी मिक्स करके मुझे ला दे, ठीक है? धोखेबाज। क्या तो मैंने तुझे मिक्स करके पानी पीने को थोड़ी मना किया था, बड़ाई मम्मी को सिखाने वाली, चुप कर। बेटा रजना समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, दो समोसे लेके आ जा मेरे लिए प्लीज। मम्मी यार आपके तो दांत में दर्द है और डॉक्टर ने भी आपको ये सब खाने से मना किया है। अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आज खा रही हूँ, आज के बाद नहीं खाऊंगी, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज ले आ। मम्मी यार आपका तो डेली करता है मन। अरे तो कह रही हूँ ना तो तुझे कब से, आज खाऊंगी, आज के बाद नहीं खाऊंगी, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, जा जल्दी से लेके आ। और उसको है ना कह देना दुकान वाले को दो है ना टमाटो सॉस वाले पैकेट भी दे देना एक्स्ट्रा, ठीक है ना? वो हमेशा कम दे देता है, दो दो लेके आना, ठीक है एक्स्ट्रा उनके साथ। जा आप जल्दी जा। मोरे मोरे।